यहाँ मस्जिद पानी में डूबी हुई है और इमाम तैर कर जा रहे हैं, अगर बोट नहीं मिली तो मैं तैर कर जाऊँगा। तकवा देखे सुभान अल्लाह। और इन इमाम ने बताया कि मैं दिन में 5 वक्त जाता हूँ नमाज़ पढ़ने, 5 वक्त। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे साथ कुछ लोग भी चले जाते हैं और वो भी पढ़ते मेरे साथ, कम से कम तकरीबन 2 होते हैं या 5 होते हैं, इतने ही लोग होते हैं मेरे साथ नमाज़ पढ़ने वाले। कभी कभी मैं अकेला ही पढ़ता हूँ नमाज़। और रात में इन्होंने खुद बताया कि रात में मैं छत पर सोता हूँ, सुभान अल्लाह, रात में मैं खाना लेकर जाता हूँ, पैक कराता हूँ खाना घर से और मैं जाता हूँ मस्जिद और मैं छत पर सोता हूँ। हम यंगस्टर्स ज़रा सा बहाना ढूंढते हैं यार, ज़रा सा बहाना बस मिल जाए कहीं से कि आज मैं, मेरा मन नहीं है बस नमाज़ पढ़ने का, आज मैं जमात से नहीं पढ़ रहा, आज मैं घर ही पढ़ूंगा। वल्लाही, और सबसे बड़ा केस तो शादी में होता है कि हम शादी में जा रहे हैं, वलीमा है, रिसेप्शन है या फिर कोई मैरिज फंक्शन है कोई, उसमें जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ लेंगे।